सबका बिल्कुल फुल कन्विक्शन था दैट आई विल विन बिग बॉस सो अभी फाइनल क्या हुआ वो तो अभी क्या बोलने का मुझे याद है एक बार विंदू ने मुझे बोला कि जी इफ़ यू आर गेटिंग अपसेट विद समबड़ी टेल दैम गिव इट ऑफ टू दैम वाई शुड यू जस्ट कीप क्वाइट अगर किसी आई रिमेंबर मैं पूछ रही थी उनसे आई थिंक महाराष्ट्र की कुछ इलेक्शंस चल रही थी उस टाइम पे उनका हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है जी <laughs> दैट वॉज अ डेयर फॉर मी के माई चिल्ड्रन डेंट वॉन्ट के मैं बिग बॉस में जाऊँ बिल्कुल भी नहीं दे मोम बिग बॉस इज़ फॉर लूजर्स इतने नगेटिव लोग होते हैं वहाँ पर ये वो तो मुझे दो तीन बार ऑफर किया गया था बिग सीज़न वन भी उन्होंने बोला आई से नो आई डॉन्ट डू सीज़न टू बोला आई से नो आई डॉन्ट डू और जब सीज़न थ्री आया तो आई अगेन सेट के लिसन मै आई टोल्ड यू दिस नहीं वी एव कम टू दिस टाइम बिकॉज अमिताभ बच्चन जी इज़ होस्टिंग इट और उनकी एक ही कंडीशन है कि ही डज नॉट वांट एनी यू नो बैड बिहेवियर बैड वकेबलरी गलत गंदी गाली गलौच हो तो तभी उन्होंने बोला होस्ट करेंगे सो आई सेड ओके तो दिस इवन द पीपल हो आर कमिंग वो बताते नहीं हैं कभी भी कि कौन आने वाला है शो में तो आई हैड नो आइडिया कौन आ रहा है बट दे कैप रीअश्योरिंग मी के अच्छे लोग हैं दिल भी डिफरेंट यू विल फील कम्फर्टेबल एंड uh, बहुत उन्होंने पर्सवेट किया तो सडनली वन फाइन डे वन आई वज थिंकिंग अबाउट इट मैंने कहा एक्चुअली इतना पॉपुलर शो है और ये जो 12, 13, 15 साल के बच्चे भी देखते हैं ये जनरेशन ने मेरी फिल्में शायद नहीं देखी हैं सो इट विल बी अ नाइस वे टू कनेक्ट विद दिस जनरेशन सो ये सोच के एंड टू शो पीपल के यू कैन भी डिग्नीफाइड एनी सिटन ज़रूरी नहीं है कि आपके आस का माहौल खराब हो या डिस्टर्बिंग हो तो आप उन जैसे बन जाए सो so, uh, ये थाट के साथ मैंने ओके okay किया थोड़ी सी नर्वस तो थी एंड माई चिल्ड्रन व मोस्ट अनहैप्पी कि आप क्यों जा रहे हो और इतने दिन के लिए इतने उनका तो पता नहीं शायद हफ्ते में आ जाओ शायद दस दिन में आ जाओ डोंट वरी बट आई एक्चुअली स्टेड फॉर नाइन्टी डेज एंड इट वॉज़ टफ नाइन्टी डेज़ क्योंकि आपको कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है आपको ऑब्वियसली फ़ोन तो है ही नहीं टेलीविजन नहीं है कुछ नहीं है दे वॉन्ट टू बी टोटली फ्री और आइडल माइंड रहे आपका डेवल्स वर्कशॉप रहे और सब एक दूसरे से इरिटेट होते रहे खाने पीने की भी यू uh, नो you know, कमी रखते हैं ताकि एवरीबडी इज़ बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली सो इट वॉज अ टफ टाइम बट आई फील एवरी थिंग हैज़ इट्स चाम तो लोगों ने ये देखा कि यू कैन बी काम इन द वर्स्ट ऑफ सिटं एंड मेरी बेटी से और मेरे बच्चों से लोग अक्सर पूछते थे इज़ योर मदर रियली सो काम ईज शी रियली लाइक दैट और शी एक्टिंग सो पलो या शी इज़ जस्ट लाइक दिस एट होम ऑल्सो शी डज हा पार्ट एट नाइट शी स्लीप शी इज़ कुकिंग फॉर शी इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग शी इज़ जस्ट लाइक दिस एट होम तो लोगों को यकीन नहीं आता था उनको लगता था मैं कुछ गेम खेल रही हूँ एक्टिंग कर रही हूँ बट आई वॉज जस्ट माई सेल्फ एंड मुझे याद है एक बार विंदू ने मुझे बोला कि इफ़ यू आर गेटिंग अपसेट विद समबड़ी टेल दैम गिव इट ऑफ टू दैम वाई शुड यू जस्ट कीप क्वाइट अगर किसी आई सेड बट विंदू दीज पीपल डोंट अपसेट मी दे डोंट मैटर टू मी आई डोंट नो दैम हाँ मेरी फैमिली है मेरे क्लोज फ्रेंड्स दे बौद मी अगर वो कुछ गलत करें तो मैं अपसेट हो जाती हूँ इन लोगों से तो मैं अपसेट होती नहीं हूँ तो वाई शुड आई गेट एंग्री सो दैट वॉज़ माई यू नो वे ऑफ लुकिंग at थिंग्स पीपल who आर क्लोज टू यू हु इमोशनल आपके साथ जिसका कनेक्ट होता है वो ही आपके मतलब emotions को डिस्टर्ब करते हैं सबसे ज़्यादा आई थिंक mother gets irritated अपने बच्चों के साथ या अपने spouse के साथ या अपने भाई बहनों के साथ अभी कोई भी सड़क पे जा रहा है उसने आपको कुछ ऐसा कह दिया उससे आप इतना नाराज़ क्यों होंगे ही doesn't मैटर वो कह के चला गया आप भी आगे चले जाइए भूल जाइए सो आई थिंक वी शुड नॉट रिएक्ट टू एवरी थिंग वी शुड नॉट इतना इमोशन हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए विद पीपल हु डोंट रियली मैटर क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है सो दैट इज़ वट आई लर्न अबाउट माई सेल्फ इन बिग बॉस बॉस के मुझे सब लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं खाली जो मेरे बहुत करीब है वही डिस्टर्ब कर पाते हैं एक बार फ़ोन अलाउड था एंड वेरी स्वीटली ऑल द मेंबर्स सेड कि आपकी बेटी का बर्थडे है तो आप ले लीजिए फ़ोन कुछ समबड़ी एल्स एट गॉट आई थिंक वोडा फोन वॉज स्पॉन्सरिंग इट तो हमें एक फ़ोन कॉल घर पर अलाउड था सो आई स्पोक टू माई डॉटर एंड देन आई वॉज क्राइंग अवे कोई शी वॉज हैप्पी शी वॉज ऑल्सो क्राइंग अवे तो इमोशन अपने करीबी लोगों के लिए आता है फॉर योर फैमिली फॉर योर लव्ड वंस आई थिंक वो बड़ी एक हम हर हफ्ते वेट करते थे कि वो कब आएंगे, एक बाहर की कुछ आवाज़ सुनाई देगी यानी अ क्रिसमेटिक और इतने आ, मतलब उनके साथ बात करके भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है तो वो जब आते थे सब वेट करते थे हफ्ते का कौन सा दिन है जब वो आएंगे और बात करेंगे हमसे तो आई रिम्बर मैं पूछ रही थी उनसे आई थिंक महाराष्ट्र की कुछ इलेक्शंस चल रही थी उस टाइम पे मैंने कहा हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है हमें जी <laughs> तो बोले नहीं बता सकते आई ऐसे प्लीज इतना तो बता दीजिए पता चलेगा कौन जीता इलेक्शन चीफ मिनिस्टर कौन है नो बडी टोल्ड मी एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू नो हु व न्यू चीफ मिनिस्टर कौन है सो so, इस तरह की बातें बिकॉज आई एम मेरे को ना न्यूज़ देखने का बड़ा शौक अभी भी है कि क्या हो रहा है कंट्री में वर्ल्ड में सो फॉर मी दैट वॉज वन थिंग आई वॉन्टेड टू नो क्या हो रहा है कोर्स so, और जो लोग हमेशा पूछते हैं कि स्क्रिप्टेड है क्या बिग बॉस वो स्क्रिप्टेड नहीं है जो बदतमीज़ियाँ लोग करते हैं खुद डिसाइड करके करते हैं उनकी बैड बिहेवियर वो सोचते हैं अगर जितनी ख़राब बिहेवियर करेंगे उतनी ज़्यादा लोग देखेंगे और उतना ज़्यादा उनको यू you नो know, आई मिलेंगे क्योंकि वो शूट तो करते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स ऑलमोस्ट तो पूरा जब देखने को मिलता है एक घंटा दो घंटा तो बहुत चीज़ें कट जाती हैं अब मैं बैठ के रोटियाँ पका रही हूँ तो वो सारा एक घंटा नहीं दिखाएंगे कि मैं रोटी बना रही हूँ बट कोई यहाँ पे ख़राब बात कर रहा है इसकी बिचिंग कर रहा है या उधर गाली दे रहा है या पंच मार रहा है वो ज़रूर दिखा देते हैं सो एवरीबडी थिंग्स कि अगर हम बैड बिहेवियर करेंगे तो हमारी ज़्यादा व्यूअरशिप हो जाएगी विच इज़ ट्रॉबरी ट्रू सैड बट ट्रू सो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा बैड uh, बिहेवियर दिखाते हैं और uh, मुझे याद है uh, तब के आर के कमाल खान बाहर होके फिर अंदर आए थे वापस तो मुझे बोले आप बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं आप कुछ करते नहीं हैं आप सारा दिन इधर खाना पका रहे होते हैं या प्रेयर कर रहे होते हैं तो आप प्लीज़ कुछ करिए अदरवाइज लोग बोलेंगे बट आई डेंट नो वन आई केम आउट दिस दैट वॉज द मोस्ट यू नो पीपल यू सू लव दैट एंड सबका बिल्कुल फुल कन्विक्शन था दैट आई विल विन बिग बॉस सो अभी फाइनल क्या हुआ वो तो अभी क्या बोलने का बट आई केम आउट इन द सेट अगेन्ज द बिगेस्ट अपसेट इन बिग बॉस हैज़ हैपन सो वेन आई केम आउट आई डेंट नो आई वॉज अ फेवरेट आई हैड नो आइडिया मुझे ये भी पता चला कि वो बेटिंग चलती है ये जीतेगा वो जीतेगा इस पर तो आई हैड नो आइडिया दैट आई वॉज द मोस्ट फेवरेट इन द बैटिंग फॉर विनिंग So that was so nice to hear.